लेकिन दोस्तों इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो सिर्फ 16 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों अगर आप Realme GT 5G को, लेकिन दोनों ही फोन के कैमरों में आपको फ्रंट कैमरा 4K नहीं मिलता, फुल HD मिलता है, और दोनों ही फोन के एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन, ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा। दोस्तों Realme ने एक नया फोन Realme GT 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन में है Qualcomm Snapdragon 5G का चिपसेट, 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड स्क्रीन। और दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि Realme GT 5G सबसे सस्ता फोन है Qualcomm Snapdragon 888 के चिपसेट के साथ। और दोस्तों साथ ही साथ इस फोन में मिलेगा आपको सुपर डार्ट 65 वॉट का चार्जर। साथ ही साथ ये फोन 186 ग्राम का है, जो कि एक फ्लैगशिप फोन के लिए काफी अच्छा वेट है। और इस फोन का जो लुक है वो काफी अच्छा है, लेदर लाइक फिनिश के साथ ये रेसिंग टाइप के डिजाइन में आता है। 6.43 इंच के स्क्रीन और फुल HD प्लस स्क्रीन के साथ काफी अच्छा लुक और डिजाइन देता है Realme GT 5G को। साथ ही साथ 1000 निट का ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, जो इस फोन के प्राइस, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस को काफी बढ़िया बनाता है। और दोस्तों अगर कैमरा की बात की जाए तो यहाँ मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। लेकिन दोस्तों इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो सिर्फ 16 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों अगर आप Realme GT 5G को कंपेयर करते हैं MI 10i से, तो MI 10i में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो प्राइमरी कैमरा है, यहाँ पर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। और दोस्तों MI 10i में आपको 4 कैमरे मिलते हैं 108 मेगापिक्सल के अलावा, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे, यहाँ पर आपको 3 कैमरे मिलते हैं 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा। लेकिन दोनों ही फोन के कैमरों में आपको फ्रंट कैमरा 4K नहीं मिलता, फुल HD मिलता है, और दोनों ही फोन के सेल्फी कैमरे में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और दोस्तों MI 10i में आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको मिलता है 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन। दोनों फोनों की बैटरी ऑलमोस्ट सेम है, MI 10i में दी आपको 4820 mAh की बैटरी और Realme GT 5G में आपको मिलेगा 4500 mAh की बैटरी। और साथ ही साथ दोनों फोनों में मिलेगा आपको 3.5mm का हेडफोन जैक। इसके अलावा MI 10i का स्क्रीन 6.67 इंचेस का है और Realme GT 5 का स्क्रीन 6.43 इंचेस का है। लेकिन Realme GT 5 में आपको मिलता है सुपर एमोलेड स्क्रीन और MI 10i में मिलता है आपको IPS LCD स्क्रीन। और अगर वेट की बात करें तो Realme GT 5 है 186 ग्राम का और MI 10i है 214.5 ग्राम का। और वैसे तो दोस्तों Realme GT 5 में आपको 8GB, 128GB, 12GB, 256GB का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन MI 10i में आपको दिया हुआ है हाइब्रिड सिम स्लॉट। आप उसमें एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डालकर उसको आप 512GB तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन Realme GT 5 में आपको डुअल सिम मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, हाइब्रिड सिम का ऑप्शन नहीं दिया, मतलब कि आप उसे मेमोरी कार्ड नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा दोस्तों MI 10i में आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और Realme GT 5 में किस क्लास का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यूज है अभी ये कंफर्म नहीं है। Realme GT 5G में आपको मिलता है 2.84 GHz का CPU प्रोसेसर और वहीं MI 10i में आपको मिलता है 2.2 GHz का CPU प्रोसेसर। और सबसे बड़ी बात, Realme GT 5 में मिलने वाला Snapdragon 888 का चिपसेट MI 10i में मिलने वाले Snapdragon 750G के चिपसेट से बहुत ज्यादा बेटर है। चाहे आप गेमिंग ले लीजिए, बैटरी बैकअप ले लीजिए, CPU परफॉर्मेंस ले लीजिए, हर तरह से Snapdragon 888 का चिपसेट जो है Snapdragon 750G के चिपसेट से काफी ज्यादा बेटर है। MI 10i भी अच्छा ऑप्शन है, एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन, ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा। तो यहाँ मेमोरी कार्ड और कैमरे को छोड़ दिया जाए तो परफॉर्मेंस वाइज, स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस, स्पीड, बैटरी बैकअप के हिसाब से मुझे Realme GT 5 ज्यादा बेटर लग रहा है। और साथ ही साथ लुक वाइज, रिफ्रेश रेट वाइज भी Realme GT 5 काफी अच्छा है। तो दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल दोनों ही फोन अच्छे हैं, MI 10i भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको मेनली गेमिंग वगैरह का या परफॉर्मेंस चाहिए तो Realme GT 5 काफी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको ओवरऑल लगता है कि मुझे ज्यादा कैमरे और ज्यादा मेमोरी की इंपॉर्टेंस है तो 10i भी अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।